नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 64 खबर कोटकासिम से। कोटकासिम में 10 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कोटकासिम थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने 10 लाख रुपए की हुई लूट का खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से करीब 7 लाख रुपए और 2 देसी कट्टे व कारतूस बरामद किए हैं। भिवाड़ी पुलिस जिला SP शांतनु कुमार सिंह प्रेस वार्ता में बताया कि गत शुक्रवार को देर शाम 7 बजे भिलहाड़ी निवासी दयाराम यादव भगाना की कॉपरेटिव सोसाइटी में काम करने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे। उनके पास कॉपरेटिव सोसाइटी के करीबन 10 लाख रुपए साथ में थे। भिलहाड़ी गाँव के पास आते ही अज्ञात 3 बदमाशों ने उनकी कार के आगे बाइक लगा दी और उन पर 3 राउंड फायरिंग कर उनके पास रखे 10 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। घटना के तुरंत बाद ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात की जानकारी ली और साक्ष्य जुटाए। पूरे मामले की छानबीन करने के लिए भिवाड़ी DST प्रथम को लगाया गया, जिसमें DST प्रभारी मुकेश कुमार ने लगातार 3 दिन कोटकासिम क्षेत्र में रहकर मामले की गहनता से छानबीन की और आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। और प्रवीण उर्फ अलबादी पुत्र राजेश, राहुल दूधिया पुत्र रण सिंह व सुनील उर्फ नीटा पुत्र सुंदरलाल निवासी बगाना थाना कोटकासिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 10 लाख रुपए में से 7 लाख रुपए की नगद राशि को बरामद किया है। दिनांक 1 अप्रैल को करीबन 7:15 बजे के आसपास कोटकासिम इलाके में बिलाहेड़ी गाँव में इसके पास एक ग्रामीण सहकारी बैंक के मैनेजर के साथ रास्ते में रोक करके लूटपाट की, फायर करके 10 लाख रुपए का उनका जो बैग था, कलेक्शन था, उसको छीन के ले गए थे लोग। मैं मौके पहुंच गया था, SHO और DST इंचार्ज मुकेश भी मेरे साथ ही थे। हमने मौके जा करके देखा, पूछताछ की सारी की सारी, तो हमें कुछ वहां से क्लूज मिले कि इस तरह का जो रास्ता है वो इसमें लोकल अपराधी होने की संभावना ज़्यादा है। और वहाँ के जो आसपास के आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो लोग थे, उनको हमने अपराधी थे उन पर अपना फोकस रखा, उनको उठा करके उनको पूछताछ की अच्छी तरह से। सघन पूछताछ से हमें एक बहुत अच्छी दिशा मिली और CCTV फुटेज वगैरह, तकनीकी विश्लेषण और इन सब का मिला जुला जो नतीजा था वो ये था कि हम 72 घंटे के अंदर ही वारदात खोल करके हमने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है, 3 अपराधियों को, पूरी रिकवरी हो चुकी है पैसे की। और चौथे अपराधी जो वांटेड चल रहा था उसको भी हमने थोड़ी देर पहले दस्तयाब कर लिया, जिसको भी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। इस वारदात के खुलने से सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों में पुलिस उनको सुरक्षा का एक वातावरण हम दे पाएंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भिवाड़ी ज़िले में हमने हर थाने में अपराधियों का चिन्हीकरण किया है और चिन्हीकरण करने के बाद उनकी पूरी सूचियां बना करके पुलिस थानों में मौजूद हैं, तो हमें एक ऐसा रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां से हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं किसी भी अन्वेषण की। ऐसे सारे व्यक्तियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमे हैं उसके अंदर हम ट्रायल को फास्ट कर रहे हैं, इंसदादी कार्रवाई कर रहे हैं, 110 के हिसाब से पेश किए जा रहे हैं और उनके जो अर्जित मनी है, अपराध से अर्जित मनी है, उसके खिलाफ भी हम विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। इनके खिलाफ पहले भी कोई मामले दर्ज है? इनके खिलाफ पहले भी लूट के, आर्म्स एक्ट वगैरह के, हथियार रखने के, अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं, मारपीट के मामले दर्ज हैं। इस तरह के व्यक्ति ही इस तरह की आगे बढ़ करके इस तरह का लूट और इस तरह की जघन अपराध कर सकते हैं। कितने हथियार सर अब तक बरामद हुए? अभी तक हमने 2 हथियार बरामद कर लिए, 4 कारतूस बरामद किए हैं और उसके अलावा इनका जो सोर्स है कि कहाँ से ये लेके आए, उस तक भी हम पहुँचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारी DST टीम थी उसने ये भी पता लगाया कि इनके अंदर हरियाणा के जो बदमाश थे मानेसर और उसके आसपास के गांव के, उनसे भी इनके संपर्क थे। और तो ये भविष्य में भी 1-2 व्यक्ति और थे माइक्रो फाइनेंस वाले, उनको भी अपना टारगेट बनाना चाह रहे थे। तो हम इस घटना को हम बुरे अंजाम तक पहुँचाने के लिए इनकी हर जड़ तक पहुँचेंगे सरकार की। सर, जिस इस वारदात में जिस अधिकारियों ने काम किया उन पर प्रमोशन के लिए? हाँ, इसमें हमारी DST टीम ने के जो कर्मचारी हैं उनका कार्य बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली सुपरवाइज इनको कर रहा था, तो बाकी जो अधिकारी हैं उनको तो मैं अपने स्तर पर और IG साहब के स्तर पर हम इनाम देंगे, और जो हमारे DST के टीम वाले हैं इनके आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए मैं ऐसे प्रपोजल बना के भेजूंगा।